स्वागत है सभी को मेरे चैनल में माइनक्राफ्ट के अंदर एक और नया वीडियो में। जैसे कि तुम लोग को मालूम ही होगा कि माइनक्राफ्ट कितना प्यारा गेम है। इसका अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसका अंदर हम लोग इधर उधर घूम सकते हैं, काफी सारे नए नए लोकेशन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, यानी कि हम लोग माइनिंग भी कर सकते हैं और काफी सारे स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को बहुत सारा खजाना भी मिलता है। लेकिन इसी माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे मिथ्स भी छुपा रहता है, जिनमें से कुछ मिथ्स को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कौन सा मिथ सही है और कौन सा मिथ गलत है। तो हमारा पहला मिथ्स को देखने से पहले ये मेरा रंगोली देख लो। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये कोई रंगोली नहीं है, ये मैंने पिछली बार एक मिथ तैयार किया था, तो ये चेरी ब्लॉसम है। तो वो वाला वीडियो देखने देखा है तो फटाफट से मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख लो। हाँ, तो इस वाले मिथ्स को ट्राई करने के लिए मुझे नेदर में जाना पड़ेगा, जो कि तुम लोगों को सामने नेदर पोर्टल दिख रहा है। ऑलराइट, मैं नेदर में पहुंच गया हूँ। अब मैं पहले मिथ ही बता देता हूँ कि क्या मिथ होने वाला है। नहीं नहीं रुक जाओ, पहले मैं मिथ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा, सीधा करके ही दिखाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो मुझे इस वाले मिथ को ट्राई करने के लिए मुझे वो सोल सैंड वाला बायोम चाहिए था, लेकिन इस वाले बायोम पे भी हो जाएगा अगर मैं इधर सोल सैंड लगा दूंगा तो। लेकिन उस वाले बायोम पे करेंगे तो मतलब देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं उसके अलावा। हाँ, तो इधर से मैं एक सोल सैंड ले लेता हूँ। चलो, मैंने सोल सैंड को ले लिया है और इसको मैं कहीं पे भी रैंडमली इधर रख देता हूँ। और मुझे फ्लिंट एंड स्टील भी चाहिए होगा, जो मेरे पास ऑलरेडी है, नेदर पोर्टल बनाने के टाइम मेरे पास था। ओके, तो इधर से मैंने सोल सैंड को कुछ इधर लगा दिया है। ओके, इतना ही काफी होगा और थोड़ा सा लगा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। अब मुझे इसके ऊपर ऐसे करके इसको आग को जलाना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब मिथ है कि अब मुझे एक लूट को लेकर इसके ऊपर डालना है। मिथ है कि सोल सैंड के आग से लकड़ी मतलब वुड्स नहीं जलता। तो इधर मैंने लगा दिया है वुड, अब देख थोड़ी देर में वेट करके देखता हूँ कि ये जलता है कि नहीं। अभी के लिए तो ये नहीं जल रहा, इसके पास में एक बार रख कर देखूँ तो नॉर्मल आग के पास ये भी तो नहीं जल रहा। वेट, ये नॉर्मल वाले आग के पास भी तो नहीं जल रहा, उस वाले पे भी नहीं जल रहा है, यानी कि मतलब ये साथ में ऐसा तो नहीं होता। उसको ऊपर में सीधा रख दिया था तो वो जल गया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मिथ्स मिथ्स के इसके साइड में ही रखना पड़ेगा और ये जल जाएगा। वेट, मैं देखता हूँ थोड़ी देर वेट करके, अभी तो नहीं जल रहा है। वेट वेट, मैं जल गया। अरे नहीं, देखो देखो देखो, ये जल रहा है, ये नॉर्मल वाले वुड जल रहा है आग से, लेकिन ये सच्ची में नहीं जल रहा। इसके साइड में एक और मैं आग लगा देता हूँ। नहीं, ये अभी तक नहीं जला, यानी कि ये मेरी 100% कन्फर्म है, क्योंकि ये नॉर्मल वाला वुड तो जल गया नॉर्मल वाले आग से, लेकिन इस सोल सैंड वाला आग से ये वाला वुड नहीं जला, यानी कि ये मेरे 100% कन्फर्म है। अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट मिथ की तरह, जिसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए था वो मैंने सारे का सामान ले लिया है। मुझे कोई भी रैंडमली एक ब्लॉक चाहिए था और मेनली मुझे एक रेल का ट्रैक चाहिए था और एनविल चाहिए था मुझे, जिसके लिए सबसे पहले तो मुझे ऐसे करके एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ऊंचा जाना पड़ेगा और एकदम रेल के ऊपर भी एक ब्लॉक को लगाना पड़ेगा। मैं सीधा करके दिखाता हूँ, इसको नहीं लगाना था ऐसे नहीं, इसका एकदम साइड में ऊंचा करके लगाना था। सॉरी, ऐसे गलती से लग रहा है, हमें करके दिखाता हूँ। ये एक और लगाना पड़ेगा इधर। हाँ ठीक, ऐसे करके रेल के ऊपर एकदम एक ब्लॉक लगाना था। और तुम बाकी इन सारे ब्लॉक को तोड़ भी सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। और एक गड्ढा इधर हो गया था तो मैंने इसको फिल कर दिया। हाँ, अब क्या करना था, एक मिनट, रेल मतलब एनविल को ना रेल के ट्रैक के ऊपर गिराना था। मैं इसको तोड़ देता हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, जो कह रहा था कि एनविल को इस रेल के ट्रैक के ऊपर गिराना पड़ेगा। और मिथ्स ये है कि इसको गिराने के बाद ये वाला मतलब क्या कहते हैं, रेल टूट जाएगा एनविल गिरने के बाद इसके ऊपर। तो इसको मैं सीधा तोड़ कर देखता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता, मुझे मालूम था, ऐसे कैसे टूट जाएगा ये रेल एनविल गिरने से, ऐसा थोड़े ना होता है, एनविल ही टूट जाएगा, क्योंकि क्या ही बोले, माइनक्राफ्ट के लॉजिक वैसे भी नहीं है, मेरे को मालूम है। एक टॉर्च के ऊपर भी मैं एनविल गिराऊंगा ना, टॉर्च नहीं टूटेगा, वो एनविल खुद टूट जाएगा। यानी कि मतलब माइनक्राफ्ट का लॉजिक है कि एनविल टॉर्च से ज्यादा मजबूत है। तो यानी कि ये वाला मिथ फेक है। तो और मुझे एक और मिथ ट्राई करना है इस रेल के ऊपर ही, जिसके लिए मुझे एक पिस्टन चाहिए था। ओके, इधर से मैंने एक पिस्टन ले लिया है और एक मुझे लीवर चाहिए था। और चाहो तो तुम रेडस्टोन का ब्लॉक भी ले सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, बस पिस्टन को ऑन करना है, कुछ नहीं। मिथ ये है कि पिस्टन इस वाले रेल को सामने आगे ढकल देगा। ओके ओके, ये वाला मिथ कन्फर्म है, क्योंकि पिस्टन से ये वाला रेल्स आगे जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। वाह, ये तो बढ़िया चीज़ है, इससे काफ़ी सारे क्राफ्ट्स बन जाएगा और मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड पे भी काम आएगा,
इस समय काफी सारा क्राफ्ट मतलब स्टैचू नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ इस समय, यानी कि ये मिथ भी 100% कंफर्म है। सुबह हो गया है, मैंने सुबह कर लिया है, खुद से नहीं हुआ, बस हाँ मुझे मिथ्स को ट्राई करना है। तो इस मिथ्स को ट्राई करने के लिए मुझे इलाइट्रा चाहिए होगा, एक मीटिंग टेबल चाहिए होगा, और वो जो टेम्पलेट्स आया है नया वो मुझे चाहिए था। मिथ्स ये है कि टेम्पलेट को पहले मुझे इधर रखना पड़ेगा, टेम्पलेट को मैं इधर रख देता हूँ और पीछे एक डायमंड लगाना पड़ेगा, और मिथ्स ये कि ये वाला इलाइट्रा इसमें लग जाएगा। इलाइट्रा लग जा भाई, इलाइट्रा तो इधर लग ही नहीं रहा। मतलब मिथ था कि इलाइट्रा के ऊपर भी ये मिथ्स, मतलब मिथ्स नहीं, जो टेम्पलेट आया, टेम्पलेट इसको क्या कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, शायद से स्मिथिंग टेम्पलेट ही कहता है इसको। स्मिथ ये था कि इलाइट्रा के ऊपर भी ये टेम्पलेट कर देता, मतलब स्मिथिंग कर देता, जो भी तुम कहोगे। आर्मर के ऊपर तो होता, लेकिन इलाइट्रा के ऊपर भी ये कह रहा था कि हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा। अगर तुम सोचो कि इलाइट्रा के ऊपर वो काम करता तो ये देखने में कितना खूबसूरत लगता, यानी कि ये मिथ 100% फेक है। एक और नया मिथ से मेरे पास, जो सस्पिशियस ग्रेविल और सस्पिशियस सैंड ऐड हुआ है इस वाला अपडेट पे, वो वाला मुझे चाहिए था, एक से भी काम चल जाता लेकिन मैंने दो ले लिया है। हाँ, और मुझे चाहिए होगा एक शॉवल, शॉवल मैं इधर से कोई भी एक ले लेता हूँ, ये गोल्ड बना हुआ ले लेता हूँ, और मुझे एक एन्चेंटेड बुक चाहिए होगा जो कि होगा क्या कहते हैं सिल्क टच वाला। हाँ, तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए, अरे कौन आवाज निकल रहा है, ये कैसा आवाज निकल रहा था, शेर जैसा। हाँ, तो इसमें इसको ट्राई करने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए होगा जो कि है एनविल। तो इधर से ही शायद से मुझे एनविल मिल जाएगा। हाँ, इधर से मैंने एक एनविल को ले लिया है, अब मुझे एनविल को रखना पड़ेगा कहीं पे भी। इधर में वेट, पहले मैं सस्पिशियस ग्रेविल और सैंड्स को इधर रख देता हूँ, अब एनविल को इधर रखते, और इसको मुझे, मेरे पास जो मैंने सावल लिया है इसको मुझे एन्चेंट करना है सिल्टस से। हाँ, मिथ ये कि सिल्टस से इसको तोड़ने के बाद ये मुझे कलेक्ट नहीं होगा, मेरे पास नहीं आएगा, ये सीधा टूट जाएगा। और ये वाला मिथ तो सर्वाइवल में ही काम करेगा, तो मैंने सर्वाइवल कर दिया है, और सभी को तो मालूम है सिल्टस से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये वाला मुझे नहीं मिला, ये वाला भी मुझे नहीं मिला, ग्रेविल सैंड दोनों ही मुझे कलेक्ट नहीं हुआ, वो सीधा टूट गया। और कैसे ग्लास जैसा आवाज आ रहा था, मैं एक और बार तोड़कर देखता हूँ। वेट, इसको मैंने तोड़ा, देखो कैसा कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है इसमें से, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ग्लास तोड़ रहा हूँ। देखो इससे कुछ अजीब टाइप सही आवाज आया, लेकिन ये वाला मिथ 100% कंफर्म है, बट तुम जो भी कहो ये वाला अपडेट सही था 1.20। ओके, तो मेरा नेक्स्ट मिथ को ट्राई करने के लिए मुझे इधर से एक डॉल्फिन का एक चाहिए होगा जो कि मैंने ले लिया है, और मुझे एक तालाब चाहिए होगा। तालाब किधर मुझे मिलेगा, इस साइड पे मुझे मिलेगा, मैं उड़ के ही दिखता हूँ, मेरे पास क्रिएटिव है। तो तालाब, हाँ इधर से मुझे मिल गया है तालाब। हाँ, सबसे पहले तो मुझे इधर खूब सारा डॉल्फिन को स्पॉन करना पड़ेगा, पहले मैं नीचे उतर गया हूँ मैं, अब इधर से मैं खूब सारा डॉल्फिन को स्पॉन कर देता हूँ पहले। बट इस वाले मिथ को ट्राई करने के लिए मुझे सर्वाइवल पे जाना पड़ेगा, सर्वाइवल पे मैं आ गया हूँ, अब मुझे इधर काफी सारा डॉल्फिन को स्पॉन करना पड़ेगा। मिथ ये कि एक डॉल्फिन को हिट करने के बाद मुझे सारा का सारा डॉल्फिन अटैक करेगा, बट ये सच में अटैक कर रहा है। देखो मैंने एक को मारा, लेकिन ये सारे के सारे डॉल्फिन मिलकर मुझे अटैक कर रहा था, यानी कि ये मिथ 100% कंफर्म है और मैं मर गया हूँ। ये वाला मिथ तो 100% कंफर्म है, बट उसी के साथ साथ जो डॉल्फिन अटैक कर रहा था ना, डैमेज बहुत ज्यादा दे रहा था, एक एक डॉल्फिन 2-3 करके हेल्थ खा रहा था भाई। कभी भूलकर भी पानी में जाकर डॉल्फिन को मत अटैक करना, नहीं तो तुम्हारा खेल उधर ही खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं डॉल्फिन। और एक बात, ये वाला मिथ ना एकदम पूरा नया था मेरे लिए, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि डॉल्फिन भी अटैक करता है, इतना क्यूट सा प्राणी है, मतलब ये भी अटैक करता है। ओके, तो मेरा लास्ट मिथ को ट्राई करने के लिए मुझे ये वाला साइन बोर्ड चाहिए होगा जो कि नया ऐड हुआ है, और मैंने ये नॉर्मल साइन बोर्ड भी ले लिया है दिखाने के लिए। हाँ, सबसे पहले तो मुझे इधर कोई से एक ब्लॉक लेके इधर लगाना पड़ेगा, मैंने क्राइंग ऑब्सीडियन लिया है, क्राइंग ऑब्सीडियन देखने में थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ले लिया है। हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा ऊंचा जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके मैं नॉर्मल वाला बोर्ड लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाला ब्लॉक तोड़ने के बाद भी ये भी गिर जाएगा। देखो ऐसे करके ये गिर गया, लेकिन मिथ्स के हिसाब से ये वाला जो नया साइन बोर्ड ऐड हुआ है, ये वाला साइन बोर्ड नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा तो लगा हुआ है। अब मैं पीछे वाला ब्लॉक को मैं तोड़ देता हूँ, अब देखो मजाक, ये देखो ये हवा में लटक रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा, इसके आर पार भी मैं जा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो भाई यानी कि तुम कह सकते हो कि इसमें फिजिक्स का पूरा क्या ही बोले सत्यानाश कर दिया। बाकी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, माइनक्राफ्ट फिजिक्स थोड़ा सा महंगा है तो इसमें समझ लो। हाँ, तो ये वाला मिथ 100% कंफर्म निकला, तो मैं एक और बार मैं ट्राई कर देता हूँ, देखने में मजा आ रहा है करने में इसको,
ओके मैंने इधर फिर से लगा दिया है और इसके आड़ पर मैं जा सकता हूँ। एक बार उधर तो जा रहा था। वेट, मैं ऐसे करके नीचे लगाऊंगा तो मैं इसके आड़ पर मैं जा नहीं पाऊंगा। इसमें तो थोड़ा सा माइनक्राफ्ट का लॉजिक आया, ऐसा होना चाहिए था। हाँ, इसके आड़ पर नहीं जाना चाहिए था, जो कि इसमें काम कर रहा है, यानी कि ये मैं 100% कन्फर्म है। ओके, तो आज का वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसके ऊपर एक एनविल फेंक के मारो, बस दब जाना चाहिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।